अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ होती है। ये हमारे खुराक को जो हम खाते हैं जो भी चीज़ उसे छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करके ये कार्बोहाइड्रेट्स उससे प्रोटीन फैट्स न्यूट्रंस वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स लाइक हमारा स्टमक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ईटीसी। ठीक है, तो अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट उसको स्पेन करती है, एनस तक मुकम्मल होता है, इसमें अगर कहीं ख़राबी हो तो हमें जो डिज़ीज़ होती है उनमें से एक डिज़ीज़ का आज हम यहाँ स्टडी करेंगे, डायरिया। डायरिया कैसे होती है, डायरिया से बचाव की एहतियाती तदाबीर, ये दोनों हम पढ़ेंगे। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ हाईलाइट किया, राइट अ नोट ऑन डायरिया डिजीज़, ये मैंने ग्रीन कलर से सेमी सर्कल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने ये येलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, SQ नंबर 6 है आपकी इस एक्सरसाइज का, व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट डायरिया, डायरिया से बचाव की एहतियाती तदाबीर, आपने ये तीन इसकी याद करने। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डायरिया, पहली दो लाइनों में आपने बताना है डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस, हमारे जिस्म से नीम स्याल मादे का निकलना डायरिया कहलाता है। इट मे बी कास्ड बाय इन्फेक्शन, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, यह आलूदा खुराक खाने से हो सकता है, आ रिएक्शन टू सम मेडिसन्स आर जस्ट एंजाइटी और एक्साइटमेंट। ठीक है, यहाँ तक ये डायरिया है। इसके बाद डायरिया के अलामत क्या होती हैं, ये एक अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, तो आपने ये दो लाइन एक्सप्लेन करनी है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, जो आम इसके अलामत हैं उनमें ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, क्रिम्पिंग, ब्लोटिंग, नोसिया, लूजिस मोशन, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स, तो इसमें पेट में दर्द होता है आपको। ठीक है, इसी तरह आपके लूज मोशन आते हैं, बुखार, जिस्म गर्म हो जाता है और ब्लड स्टूल आते हैं, ये इसके अलामत हैं। नेक्स्ट, डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवर डिहाइड्रेशन, डायरिया जो होता है हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन के वजह बनता है जिससे पानी की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में। देयर फॉर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस, तो अगर हम ये पानी नहीं यूज़ करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमारे जिस्म में। डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं डायरिया के लिए। यहाँ से हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो, नंबर वन, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग आर ईटिंग, एंड थर्ड लास्ट जो है, डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ से आपका ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये कंप्लीट आपने याद करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।